आज हम कंप्यूटर की कुछ बेसिक शॉर्टकट की को जानेंगे, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, उसके बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। अगर आप इस पे कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड वर्ड है, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर पे प्रेस करना है। तो आपके सामने ये चार पांच पैराग्राफ टेक्स्ट में आ जाएगा, इस पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है Ctrl+A, जो कि सेलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए Ctrl+A को दबाएंगे, तो देखिए सेलेक्ट ऑल हो गया है। अगला है Ctrl+B, जो कि बोल्ड के लिए है, तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। आप सबसे पहले जितना आपको बोल्ड करना है उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद Ctrl+B पे प्रेस करना है तो बोल्ड हो जाएगा। अगला है Ctrl+C, जो कि कॉपी के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद Ctrl+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया है। और यहाँ पे अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V को दबाएंगे तो वो सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगला है Ctrl+F, जो कि फाइंड द टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इन सारे लाइंस में किसी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो बस आप सिंपल Ctrl+F पे प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखना है। जैसे हम योर को, YOUR, योर को फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देख लीजिए इस सारे लाइंस में जितने भी योर वर्ड है वो हाइलाइटेड हो गया है। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+G, जो कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए है। Ctrl+F सिर्फ फाइंड के लिए है, और Ctrl+G जो कि फाइंड एंड रिप्लेस दोनों के लिए है। तो चलिए Ctrl+G पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको फाइंड में जाना है। जैसे हम योर फाइंड किए थे तो योर रहने देते हैं, रिप्लेस पे जाना है, और योर को हम मान लीजिए आई में कन्वर्ट करेंगे तो आई लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे, उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जितना भी योर था वो आई में कन्वर्ट हो गया है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+I, जो कि इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इटैलिक यूज करते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से Ctrl+I पे प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+J, जो कि जस्टिफाई के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हमें फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद Ctrl+J पे प्रेस करेंगे तो देख लीजिए ये पूरा जितने भी लाइंस था वो एक सीध में आ गया है, तो ये जस्टिफाई हो गया। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+N, जो कि ओपन न्यू पेज या ओपन न्यू टैब के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम Ctrl+N पे प्रेस करेंगे तो देख लीजिए एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+P, जो कि प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए Ctrl+P दबाएंगे तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके सिस्टम से कोई भी प्रिंटर अटैच है तो सिंपली आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। उसके बाद अगला शॉर्टकट की है Ctrl+U, जो कि अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+U पे प्रेस करेंगे तो देख लीजिए आपने जितना सेलेक्ट किया है वो सारा अंडरलाइन हो गया है। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+S, जो कि सेव के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए सेव करते हैं Ctrl+S। तो यहाँ पे आपको फाइल नेम लिखना है, यहाँ पे अपना चूज लोकेशन करना है, कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+X, जो कि कट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद Ctrl+X को दबाएंगे तो देखिए ये कट हो गया है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।